और देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच आज जयपुर की जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर हजारों की संख्या में लोगों ने खुले में नमाज पढ़ी और अलविदा नमाज के लिए बड़ी तैयारी की गई। मस्जिद के आसपास सैकड़ों और बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाए गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे खुले में जयपुर में सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, आप अलग अलग इलाकों से देख रहे हैं, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, भोपाल की ये तस्वीरें, जहां खुले में कुछ जगहों पर नमाज पढ़ी जा रही है तो कुछ जगह मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई। लखनऊ से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील और जो तमाम कदम योगी सरकार द्वारा उठाए गए उसके मद्देनजर मस्जिद के अंदर नमाजी नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप राजस्थान से देख रहे हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ाती, नियमों को तार तार करती हुई नजर आ रही हैं। राजधानी दिल्ली से भी हमें एक तस्वीर, हालांकि जयपुर की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन यानी कि जो सरकार है वहां की सरकार की ओर से सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कोर्ट की ओर से क्या उनका पालन हुआ है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जयपुर में उसी जामा मस्जिद के बाहर हैं जहां सड़क पर नमाज पढ़ी गई है। मनीष ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, लोगों से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। सड़क पे तो सर देखो ये सदियों से, सर आज से नहीं है, सदियों से चल रही है, कुछ ही लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ ही लोग हैं देश की जो दुश्मन है वो लोग कर रहे हैं, बाकी हर एक आदमी नहीं कर रहा। देखो सर राजस्थान के अंदर हुई ना नमाज, ऐसा कुछ भी नहीं सर। सर वो कुछ ही लोग कर रहे हैं ना, यही तो कह रहा सर, कुछ ही लोग कर रहे हैं वो, बाकी तो देश के सब भाईचारे से रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। भाई का माशाल्लाह बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। अच्छा आप लोग ये सवाल उठाने लगे कि सड़क पर नमाज क्यों पढ़ने की क्या वजह है? हर साल आंसू थोड़ी हो रही है, बरसों से हो रही है, बरसों से होती चली आ रही है, तो 2 साल लॉकडाउन लग गया, हमारा नहीं तो हर साल होती है और अमन के साथ होती है, सुकून के साथ होती है। दिक्कत होने की कोई सड़क? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो ज़्यादा वो है उनको दिक्कत होती है, जो खिलाफ है, मगर सब एक है। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा नमाज का, और हर साल जैसे इंतजाम होता है वैसे ही रहा, और पिछले 2 साल से नहीं हुआ था तो इंशाल्लाह वो जैसे हमेशा हर साल होता है। देखो साहब आपको मैं बता दूँ, हम सब हिंदुस्तानी हैं और जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है वही सवाल उठाएगा ही नहीं। पहली बात तो हमारा जो हिंदुस्तान रहा है वो अमन का देश रहा है और मोहब्बत का देश रहा है, तो ये सवाल तो हर ही सवाल है, लोग हैं अनसमझ हैं, जो बेरोजगार हैं, जो भटके हुए लोग हैं वो लोग ये सवाल करते हैं, और दोनों समाज से ये लोग हैं। तो रोड पे कई प्रोग्राम होते हैं, कुछ वक्त के लिए होते हैं, और इसमें और मैसेज जाता है सभी लोगों को, यहाँ के लोगों ने, इन दो लोगों ने क्या देखा नहीं क्या, और किसी मधर्म के लोगों ने देखा नहीं क्या, किसको तकलीफ हुई, किसी के कोई जो रोजगार लेके बैठे हैं, और भी लोग गैर मुस्लिम लोग भी हैं, और भी लोग हैं, किसको तकलीफ हुई? सबको अल्लाह समझ दे, क्योंकि आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, समझदार हैं, एक दूसरे की चीजों को समझते हैं, तो ऐसे ही देश आगे चलेगा। नहीं नहीं बहुत बढ़िया रहे माशाल्लाह, किसी को किसी चीज से कोई क्या, किसी को कोई तकलीफ ना हो और ना ही मतलब क्या है एक दूसरे को तकलीफ देना चाहता है। नहीं नहीं ये तो क्या है, कम ना कल जो लोग होते हैं वो इस चीज़ों के बारे में बोलते हैं, बाकी ऐसा कोई किसी के दिल के अंदर कोई नहीं है। जो लोग भाईचारा नहीं चाहते वो लोग बोलते हैं ऐसी बातें, बाकी ऐसी कुछ बात नहीं है। हम अमन और शांति के, हम अमन और शांति चाहते हैं अपने मुल्क में। लाउड स्पीकर को लेके बहुत बातें हो रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग बाग इशू बना रहे हैं इस चीज़ का, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लोग इशू बना रहे हैं इस चीज़ का, जो समझते नहीं है, जिसको समझ नहीं है, धर्म के बारे में जानता नहीं है, बाकी अपने को किसी को अधिकार नहीं है किसी धर्म के बारे में गलत बोलने का, क्योंकि अपने को भगवान ने या अल्लाह ने सिर्फ अपने को अपना अधिकार दिया है, दूसरे की तरफ देखने से पहले अपन अपने गिरेबान में जाके देखे कि अपन में क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सही है, जो होती है नमाज हर साल जैसे होती आई है वैसे हुई है, कई नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक स्थल पे, धार्मिक जो भी काम होते हैं ना सड़कों पे, भाई जगह मस्जिदों में कम होती है, तो क्योंकि अलविदा जुम्मे की नमाज जमा मस्जिद में होना जरूरी है, इस वजह से इसमें कोई इशू नहीं है। 2 साल बाद ये मौका मिला है कोविड के बाद से, आप भी जानते हो लोगों में जोश था आने का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो हर साल से जो रिचुअल्स भाई हर बार जुम्मा की भाई रोड पे ही होता है तो वही होता है, बस 2 साल कोविड की गाइडलाइंस थी उसको फॉलो किया, उसके बाद हमने नहीं करी है, बट इस साल नहीं थी कोविड गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ने परमिशन दी, हमने एक्चुअली आवाम कम की। नहीं तो एक परंपरा हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है, गंगा जल में तेजी उसके तेज नमाज होती आई और होती रहेगी। नहीं लाउड स्पीकर में भी कौन सा, लाउड स्पीकर भी लिमिटेड बस है अपने, अभी आपने खुद देखा कितनी आवाज़ थी इसकी, इसकी बात है आप खुद उठाएंगे, तो मीडिया का काम है आवाज़ उठाने का, मीडिया सही सही संदेश लोगों तक पहुँचाए,
ना जान से किसी को तकलीफ है, ना नमाज से किसी को तकलीफ है। नमाज एक बार होती है परवरदिगार का, उन्हें बड़े सुकून के साथ अदा करना। अब वो तो दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, तो विरोध करने वाले भी हैं, समर्थन वाले भी हैं। बाकी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर हिंदू हमारा समर्थन करने वाले हैं। 10% लोगों में जो हमारा विरोध करते हैं, बाकी 90% हिंदुस्तान का हिंदू हमारा समर्थन करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।